HTML कमेंट्स, ठीक। कमेंट्स आर सम टेक्स्ट और कोड रिटन इन योर कोड टू गिवन एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोड एंड नॉट विजिबल टू द यूजर्स, ठीक है। कमेंट्स एक ऐसा टेक्स्ट होता है, और कोड हम लोग उसको बोलते हैं जो कि हम अपने कोड के कहीं बीच बीच में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ने जो वो कोड किया है, ठीक है, वो क्या वर्क कर रहा है, या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक टेक्स्ट वहां पे लिख देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम लोग बाद में वो कोड को हम लोग खोल के देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वो कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोई भी कोड को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना मीन्स हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई भी ऐसा कोड जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है, तो हम लोग उसको कुछ देर के लिए कमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट्स आर विच आर यूज फॉर HTML फाइल्स आर नोन एज HTML कमेंट्स। एनीथिंग रिटन बिटवीन दीज टैग्स विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर, सो कमेंट्स विल नॉट बी विजिबल ऑन द वेब पेज, ठीक है। कमेंट्स के बीच में हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा चीज वेब ब्राउजर जो है वो इग्नोर करता है। मीन्स जो भी हम लोग उस टैग के बीच में लिखेंगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज पे, ठीक है। कमेंट्स ऑफ एनी कोड मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। अगर किसी भी कोड में हम लोग कमेंट ऐड करते हैं तो हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस कोड के बारे में, और हम लोग उसको इजीली रीड कर पाते हैं, इजीली हम लोग उसको रीड कर पाते हैं। कमेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोड विच गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड, ठीक है। कमेंट्स भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग से वहां पे ऐड किया गया, कमेंट्स भी एक प्रकार का कोड ही है, लेकिन वो किसी दूसरे कोड के बारे में बताता है, किसी दूसरे कोड के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हाउ टू ऐड कमेंट इन HTML, कैसे हम लोग यहाँ पे HTML में कमेंट को ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड कमेंट इन योर HTML यूजिंग दिस टैग। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेस देन वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, फिर दो बार डैश हम लोग लिखेंगे, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग दो बार डैश लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं इस टैग को यूज करके, इसको बोलते हैं हम लोग कमेंट टैग। सो इफ यू विल राइट एनीथिंग बिटवीन दीज कमेंट दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट एंड ब्राउजर विल नॉट रीड इट। अगर हम लोग इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो जो वेब ब्राउजर है हमारा वो कमेंट जैसा ट्रीट करेगा और कभी भी इसको रीड नहीं करेगा। देखिए इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं यहाँ पे कैसा सिंटेक्स है, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग जो भी यहाँ पे लाइन लिखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी टेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वो कभी भी ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे नोट दिया हुआ है द कमेंटेड कोड विल नॉट बी विजिबल टू ए वेब पेज एंड हेंस यू कैन यूज कमेंट टैग फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एंड डिबगिंग पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी टैग में हमने लिखा देर इज सम टेक्स्ट, इस प्रकार से हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने एक और पैराग्राफ टैग लगा दिया। अब दोनों को यहाँ पे कमेंट कर दिया हमने, यहाँ से हमने इस टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टेक्स्ट लिखा जरूर है, जो दो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा जरूर है, लेकिन वो अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब इस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा वेब ब्राउजर पे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन मल्टी लाइन दोनों टाइप्स के कमेंट हम लोग इसी एक कमेंट टैग से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं, ये एक जनरल एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे HTML के बाद यहाँ पे कमेंट ऐड किया, ठीक है। दिस इज हेडर सेक्शन, मतलब हेडर सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये हेड टैग है और हेड टैग यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये हेडर सेक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ कोड यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कमेंट लिख
कमेंट करके लिखा इंटरनल सीएसएस, ठीक है, ये हमने कमेंट करके लिखा। फिर उसके जो भी सीएसएस का कोड है वो यहाँ पे दे दिया हमने स्टाइल करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है, जो यहाँ पे हमने कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड के बारे में बता रहा है, ये कोड के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोड के बारे में अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन हम लोग को देना है तो हम लोग यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। जैसे ये कमेंट है, ये बता रहे कि हेडर सेक्शन है, मतलब आगे जो हमने कोड लिखा है वो हेडर सेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके बाद ये बता रहे कि इंटरनल सीएसएस का हमने यहाँ कोड लिखा है, तो कोई पार्ट ऑफ द कोड के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के पहले एक यहाँ पे हमने कमेंट लगाया, दिस बॉडी सेक्शन राइट कोड हियर व्हिच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, ये हमने कमेंट किया है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो ये वाला लाइन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज, ठीक है। तो ये बॉडी के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कमेंट्स को हम लोग अपने कोड के बीच बीच में लगा के किसी भी कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके मल्टी लाइन कोड भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसे ही यूज करते हैं जैसा हमने यहाँ पे अभी कमेंट्स को यूज किया। तो हम लोग कितने भी लाइन के कोड को हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे इसके बीच में 3 लाइन है, ठीक है। तो तीनों लाइन क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो क्या किया है, कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं सेम एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, जिससे हम लोग इस HTML कमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देता हूँ, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में आ गया और ये नोटपैड प्लस प्लस में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया है, सेम हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और मैं इसको सेव करता हूँ, सबसे पहले सेव एज मैंने इसको किया और यहाँ पे मैं लिखा कमेंट टैग डॉट HTML, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे कमेंट किया है वो अलग कलर में आ गया है, ग्रीन कलर में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइल्स पे चले जाएंगे, HTML PGDCA, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कमेंट टैग सबसे पहला वाला, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पेज, ठीक है। अब साइड बाय साइड हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी कोड हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ पे HTML, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग है हमारा HTML पेज का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने लिखा है दिस इज हेडर सेक्शन, ठीक है, ये कहीं पे भी इस वेब पेज में डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेड लिया है और हेड में हमने एक और कमेंट यहाँ पे दिया इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इससे ये बता रहे कि यहाँ पे हमने जो स्टाइल टैग लगा के जो कोड लिखा है वो इंटरनल सीएसएस का कोड है, ठीक है। वो इंटरनल सीएसएस क्या होता है हम लोग सब बाद में देखेंगे, ठीक है, ये इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बॉडी पे, ठीक है। बॉडी स्टार्ट होने के पहले मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे कमेंट दिया है, कमेंट में हमने क्या लिखा है, दिस इज बॉडी सेक्शन राइट द कोड हियर व्हिच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। तो हमने यहाँ पे जो बॉडी के अंदर H2 टैग लगाया है और यहाँ पे लिखा है वेब पेज, ठीक है, तो वेब पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा, मतलब फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ठीक
ठीक है, और राइट योर कमेंट हियर, और यहाँ पे राइट योर कंटेंट हियर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे सभी के लिए हमने कमेंट लगाया है। ये बॉडी के लिए हमने लगाया है, ये हेडिंग टैग हमने यूज किया उसके लिए लगाया है, और ये पैराग्राफ टैग यूज किया उसके लिए हमने कमेंट लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कमेंट हम लोग लिख सकते हैं किसी भी कोड के एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। हाउ टू व्यू द HTML सोर्स कोड ऑफ ए वेब पेज, कैसे हम लोग अपने HTML वेब पेज के सोर्स कोड को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ, थ्योरी पार्ट मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जानना है कि हम लोग कैसे जनरली हम लोग अपने वेब पेज के सोर्स कोड को देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा वेब पेज है, ये क्या है हमारा वेब पेज है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया और इसका मुझे सोर्स कोड जानना है, मतलब सोर्स कोड मतलब जो कोडिंग हमने किया है। कोडिंग क्या है, मतलब ये कोडिंग हमने किया है, ठीक है। ये हमने कोडिंग ओपन करके रखा है तो हमको पता चल रहा है कि ये कोडिंग है, ठीक है। मैं इस नोट पैड प्लस प्लस एडिटर को मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी ये सिंपल सा कोई भी एक वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसका सोर्स कोड जानना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस यू दबाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू, ये हमारा शॉर्टकट होता है किसी भी वेब पेज के सोर्स कोड को जानने के लिए, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसका सोर्स कोड जानते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पेज पे गया, कंट्रोल दबाया और यू दबाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे क्या है, पूरा इसका सोर्स कोड ओपन हो गया। अब ये जो सोर्स कोड ओपन किए हम लोग, और जो हमने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में बनाया, आप लोग देख सकते हो दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को किसी का भी सोर्स कोड ओपन करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस यू दबा के हम लोग कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है कि इस वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को दिखेगा व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे हम लोग को दिखेगा व्यू पेज सोर्स, ठीक है। इस पे क्लिक करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी हम लोग को दिख रहा है, कंट्रोल प्लस यू हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे या फिर हम लोग राइट क्लिक करके कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे हम लोग को क्लिक करना है तो भी वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सोर्स कोड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और जहां मन चाहे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वेब पेज के सोर्स को हम लोग कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डाउनलोडिंग सोर्स कोड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग व्यूइंग सोर्स कोड, ठीक है। कॉपी करके हम लोग कहीं दूसरे जगह नोटपैड में ले जाके पेस्ट कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग सोर्स कोड, ठीक है। तो दो चीजें होती है इसमें, व्यूइंग सोर्स कोड और डाउनलोडिंग सोर्स कोड, दोनों ही बहुत इजी है। तो जो भी हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसी कमेंट टैग को मैं ओपन करता हूँ मोजिला फायरफॉक्स में, ठीक है, फायरफॉक्स में मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें भी सेम चीजें हम लोग को मिलेंगी, देखते हैं, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स में ओपन हो गया, इसमें भी राइट क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स हम लोग को ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी जाऊंगा तो हम लोग को सेम चीजें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा कोड है हम लोग उसको कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये हम लोग का डाउनलोड करके मिल गया। तो हम लोग किसी भी वेब पेज का हम लोग सोर्स कोड जान सकते हैं, वो कोई भी ब्राउजर हो, सब में सेम ही प्रोसेस होता है, सभी में सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये गूगल है, गूगल का मैंने अगर सोर्स कोड देखना है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं,
कुछ नहीं, राइट क्लिक करना है व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पेज का सोर्स हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग समझ तो पाएंगे नहीं इसको, ठीक है, कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम दी गई हुई है, लेकिन इसमें देखने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें, टेक्स्ट बॉक्स है, दो बटन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन इसे सोर्स कोड को अगर देखें तो यहाँ पे पूरा समुंदर है सोर्स कोड का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सोर्स कोड देख सकते हैं किसी भी वेब पेज का, ठीक है। हमारे पास HTML फाइल्स हैं और हमें इसका सोर्स कोड जानना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो ये वाला है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलेगा एडिट, ठीक है, एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो नोटपैड में ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब फिर हम लोग इसको ओपन विथ करेंगे और नोटपैड हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एडिट में जनरली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नोटपैड ही सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो एडिट करोगे तो नोटपैड ही सिलेक्ट होगा। मेरे में कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो गया था, लेकिन आप लोग एडिट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नोटपैड में ओपन होगा, ठीक है, या फिर एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस ऐसा भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, या फिर ओपन विथ यहाँ पे चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर नोटपैड सिलेक्ट कर लोगे तो नोटपैड ही ओपन होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटपैड सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोडिंग जो है हम लोग की सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है, जो हम लोग कोडिंग हम लोग किए वो ओपन हो गया, और कुछ चेंजेस करके हम लोग वापस उसी में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सोर्स कोड इस HTML फाइल का हम लोग देख सकते हैं।